बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें लेंगे मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मोटी इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी एक स्टिक, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 कड़ी पत्ते, आधा चम्मच गरम मसाला, अदरक, हरी मिर्च और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है मटन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आयल शामिल करते हैं, हाफ कप। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, वो डाल देते हैं। प्याज को हमने फ्राई करना है ब्राउन कलर का। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। रेसिपी को पूरा देखा करें जिससे आपको फिर पता चलेगा कि कैसे कैसे बन रही है। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे जैसे लाइक और शेयर करें या फिर अभी इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर गोश्त का कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं, आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी देर भून लिया, अब इसमें हरी मिर्च शामिल करूंगी, कड़ी पत्ता, जीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, ग्रीन इलायची, स्टिक, लौंग। अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं, तकरीबन 2 गिलास। इसे ढक के रख देते हैं जब तक कि ये गल ना जाए, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है, अब हम इसमें मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें मैं आधा आधा कप जो है दही का शामिल करूँगी। अब इसमें पानी मिला के अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसमें हम ये प्याज ब्राउन किया था इसको थोड़ा सा मैच कर लिए, वो शामिल कर देंगे। हाँ जी, हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।